दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपके फ़ोन से गलती से मान लीजिए कि मैसेज डिलीट हो जाए, जो हमारा मैसेज आता है ना, वह मैसेज मान लीजिए गलती से डिलीट हो जाए या अपने फ़ोन से आपने मैसेज को डिलीट कर दिया है और आप उस मैसेज को देखना चाहते हो तो कैसे देखोगे, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में यही बताऊँगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक मैसेज आया हुआ है, लिखा है हेलो भाई क्या हाल है, घर कब आओगे, ठीक ना। इस मैसेज को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने मैं इसको डिलीट करता हूं। अब यह फ़ोन से डिलीट हो गया, मान लीजिए आपने डिलीट कर दिया। अब हमको उस मैसेज को देखना है कि वह मैसेज जो आया था ना, वह कौन सा मैसेज था और कहाँ देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे कि अगर फ़ोन से मैसेज डिलीट हो जाए या आप डिलीट कर दो और दोबारा फिर से उसे देखना चाहो तो कहाँ दिखाई देगा और कैसे अपने फ़ोन में वापस लेकर आओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में यही बताऊँगा, वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी, उसके हमारी वीडियो के साथ बने रहना। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम अपने फ़ोन में उस डिलीट मैसेज को देखेंगे, ध्यान से देखिए। उसके लिए दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग पे जाना है। जी हाँ दोस्तों, आपका फ़ोन किसी भी कंपनी का होगा, हर फोन के अंदर में सेटिंग एप्लीकेशन होता है, उस सेटिंग पर जाना है, सेटिंग को ओपन करना है। जैसे सेटिंग ओपन करेंगे सेटिंग कुछ इस प्रकार से आएगी। फिलहाल मैं यह सेटिंग सैमसंग के फ़ोन में कर रहा हूँ। जब सेटिंग आएगी तो यहाँ सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च के ऊपर में क्लिक करना है और क्लिक के बाद में आपको यहां पर लिखना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री, ठीक ना। सर्च में आप लोगों को लिखना है नोटिफिकेशन हिस्ट्री। जैसे दोस्तों नोटिफिकेशन हिस्ट्री लिखोगे ना, इस तरीके से नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम की एक सेटिंग आएगी, इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। अब जैसे इसके ऊपर में क्लिक करोगे, यहाँ पर देखोगे कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री नाम की एक सेटिंग है, बस इसके ऊपर में टैप कर देना है। जैसे टैप करोगे ना दोस्तों, आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन से मैसेज आते होंगे ना, वह सारे एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे टेलीग्राम है, ड्रीम इलेवन है, मिसू है, मैसेज है, गूगल है, कॉल्स है, यानी कि जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना जहाँ से मैसेज आता होगा वह सारे देखने को मिल जाएंगे। तो हमने तो मैसेज से डिलीट किया था, तो मैं यहाँ मैसेज पर क्लिक करता हूँ, ठीक ना। अब हम यहाँ मैसेज पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब हम मैसेज पर क्लिक किए तो हमने इसी मैसेज को देखिए डिलीट किया था, हेलो भाई क्या हाल है, घर कब आओगे, ठीक ना। हमने इसी मैसेज को डिलीट किया था और यह मैसेज देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप यह पता कर सकते हो कि वह मैसेज में क्या लिखा हुआ था और वह मैसेज कहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक ना। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने फ़ोन के अंदर में इस नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आकर, आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर आकर यह बटन आपके फ़ोन में अगर ऑफ है तो आपको यहाँ पर ऑन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर अभी से आप ऑन करते हो तो दोस्तों अब से अगर आपके फोन में कोई भी मैसेज डिलीट होगा तो ही आप अपने फोन में उस मैसेज को देख पाओगे, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले अपने फोन के नोटिफिकेशन हिस्ट्री सेटिंग को ऑन कर देना है। अगर ऑन कर रखोगे ना तो कभी भी आपके फोन से मैसेज डिलीट हो जाएगा तो वह मैसेज आप लोगों को नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन हिस्ट्री बटन को ऑन नहीं किया है तो अभी जाकर कर लीजिए, भविष्य में कभी भी मैसेज डिलीट होगा तो आप वहां से देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में यही बता रहा था कि मैसेज डिलीट हो जाए तो कैसे देखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।